हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वोल्सवैगन पसार्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं वोल्सवैगन पसार्ट का डुअल मास फ्लाईव्हील रिप्लेस। तो बेसिकली डुअल मास फ्लाईव्हील जो होता है वो बेसिकली जब भी आप गियर को शिफ्टिंग करते हैं या फिर जो ऑटोमेटिक गियर होते हैं, DSG जो गियर है वो बेसिकली एक तरीके से AMT गियर है, यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअली ट्रांसमिशन। तो एक उसमें रोबोटिक सिस्टम होता है मेगाट्रॉनिक, वो पार्ट एक कार के इंजन के लोड को डिपेंड करके, व्हीकल की स्पीड को सिग्नल लेकर के, उस चीज़ का सिग्नल लेकर के, सारी चीज़ें सिग्नल लेकर के वो गियर को शिफ्टिंग करता है, अप शिफ्टिंग और लो शिफ्टिंग। तो बेसिकली है वो एक तरीके से मैनुअली गियर, बट उसमें एक रोबोटिक सिस्टम यानी कि एक जो मेगाट्रॉनिक है वो सारे सिग्नल मेजरमेंट करता है कि अब गाड़ी में थर्ड गियर आना चाहिए या फोर्थ आना चाहिए, वो उस चीज़ को कैलकुलेट करता है। तो उस कैलकुलेशन से वो उस कैलकुलेशन से क्या करता है, उस गियर को शिफ्ट करता है। तो जब शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग के टाइम पे आपका एक्सीलेटर तो परमानेंटली प्रेस है बट गियर चेंज होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो जर्क बनता है ना, जो झटका जो बनता है, उस झटके को कंट्रोल करने का काम करता है डुअल मास फ्लाईव्हील। तो बेसिकली आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस फ्लाईव्हील को रिप्लेस। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ कर दीजिए लाइक शेयर। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें, मनीष कार टेक्नोलॉजी। चलो रे छोड़ो रेस, रेसो रेस। तो यहाँ पर अभी हमने खोला हुआ है इसका फ्लाईव्हील। तो ये इस जगह लोकेशन थी इसकी फ्लाईव्हील की फिटिंग की। तो ये आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो है इसका फ्लाईव्हील एरिया, ये पूरा रेड हो रहा है, यानी कि इसमें काफ़ी जंग वगैरह लगी हुई है, ये पूरा रस्टिंग पकड़ा हुआ है ये एरिया। और ये था इसका ट्रांसमिशन जो कि अभी हमने इसको खोला हुआ था। तो ये देखिए, ये है इसकी मल्टी क्लच। तो इस जगह पर काफ़ी रस्टिंग है इस एरिया में, ये देखिए बिल्कुल पानी वगैरह इसमें कुछ गया हुआ है। ये था इसका फ्लाईव्हील जो कि अभी हम इसमें रिप्लेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी रस्टिंग है इसके अंदर, देखिए। ओके, और जो प्रॉब्लम है मेनली, जो आवाज़ जो कर रहा है कि जो प्रॉब्लम है, ये फ्लाईव्हील बिल्कुल जाम हो चुका है क्योंकि इसके अंदर ये फ्लाईव्हील जो होता है ये डुअल मास होता है, तो उसके जो मास है दोनों साइड के वो जाम हो चुके हैं। तो जाम होने की वजह से इसमें जो मेन सॉफ्ट है इसमें वाइब्रेशन बनता है, और वाइब्रेशन बनने की वजह से इस कार के अंदर जो नॉइज़ है वो आती है। तो अभी हम रिप्लेस करेंगे इस फ्लाईव्हील को। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने इस कार का जो जिस जगह पर फ्लाईव्हील की लोकेशन है उस एरिया को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसका न्यू फ्लाईव्हील। तो इस जगह पर फिटिंग होता है इसका फ्लाईव्हील। तो यहाँ पर आपको ये 6 बोल्ट से माउंट करना होता है, और इस जगह पर ये है इसका NS व्हील और इसका क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, और ये है इसके बीच की जो स्टेम है इसमें फिटिंग है। तो यहाँ पर जो फ्लाईव्हील है वो ये न्यू फ्लाईव्हील इस साइड है इस पैकिंग बॉक्स में, और ये हमने मंगाया हुआ है लुक LUK। ओके, तो ये इस ब्रांड का जो है इसमें फ्लाईव्हील है जो कि है जर्मन से, मेड इन जर्मनी है। और ये इसका इस पर मेंशन किया हुआ है इसका पार्ट नंबर और MRP जो कि है 27,900 रुपये। तो ये था इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ये है लुक ब्रांड। तो यहाँ पर जो फ्लाईव्हील है पुराना वाला, ये आप देख सकते हैं ये जंग की वजह से बिल्कुल जो है बिल्कुल एक तरीके से स्टक हो गया है, जाम हो गया है। तो उस सिचुएशन में हम इस फ्लाईव्हील को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि इस कार में जो नॉइज़ थी ये हमने आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में बताई हुई है किस तरीके से इस फ्लाईव्हील में आवाज़ आ रही है। और ये है इसका नया फ्लाईव्हील जो कि बिल्कुल सेम है, सेम जिस कंपनी का ये फ्लाईव्हील है सेम उसी कंपनी का ये फ्लाईव्हील है। तो अभी हम फिटिंग करते हैं इस फ्लाईव्हील को। तो यहाँ पर आपको ये 6 बोल्ट से माउंट करना होता है। ओके, ये कुछ इस तरीके का इसका व्यू पीछे की साइड से। तो करते हैं इसको फिटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लाईव्हील बिल्कुल जाम है अगर हम इसको इस तरीके से लाते हैं तो। और ये जो फ्लाईव्हील है, पकड़िए इसको पीछे से, नीचे से पकड़ ले, ग्रारियर लीजिए पकड़, ये देखिए ये इस तरीके से चलता है। और ये देखिए ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। ओके, लेकिन ये जो फ्लाईव्हील है ये जाम हो चुका है, ये देखिए। तो ये जाम होने की वजह से इसकी जो मेन इनपुट सॉफ्ट होती है उसमें वाइब्रेशन बनता है, और वाइब्रेशन बनने की वजह से जो आवाज़ आती है वो इस फ्लाईव्हील की है। ओके, तो इस कंडीशन में हम इस फ्लाईव्हील को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये है इसका डुअल मास DSG फ्लाईव्हील, करते हैं इसको फिटिंग। यहाँ पर जो इसका फ्लाईव्हील है हम इसको अभी ट्रांसमिशन की इनपुट सॉफ्ट पर एक बार लगा कर चेक कर रहे हैं, वो जो इसके टूथ हैं ये एकदम परफेक्ट बैठता है या नहीं, इस तरीके से आपको चेक कर लेना अच्छे से कसने से पहले आपको इस फ्लाईव्हील को इस तरीके से आपको चेक करना। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठ चुका है फ्लाईव्हील। ओके, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इसकी स्टार्टर मोटर है अभी हम इसको भी सर्विस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी रस्टिंग है, ये बिल्कुल रेड हो रखा है, कुछ पानी वगैरह इसके अंदर गया हुआ है इस ट्रांसमिशन में। तो
तो अभी हम इसकी जो स्टार्टर मोटर है इसको भी सर्विस करके लेते हैं, इसको भी क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्टार्टर मोटर को भी लगा के चेक करते हैं। अब हम फ्लाईवील को रोटेट करके चेक करेंगे, फिर भी टेस्ट तो नहीं हो रहा है स्टार्टर मोटर से, तो बिल्कुल फ्री है, कैसी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कर देते हैं इस फ्लाईवील को और इस ट्रांसमिशन को फिटिंग इस कार के अंदर। तो ये कार है वोल्क्सवैगन पसाट, और करते हैं हम इस कार में फिटिंग इसका फ्लाईवील और इसका ट्रांसमिशन। तो बेसिकली आपको ट्रांसमिशन खोलने के लिए तो नॉर्मली जो फिटिंग होती है वही फिटिंग होती है सभी गाड़ियों में, जो ट्रांसमिशन के माउंट कप के बोल्ट खोलने होते हैं, इसके एक्सल आपको खोलने होते हैं, ब्रेक कैलिपर खोलने। और बेसिकली मैं इस कार का सस्पेंशन भी ओवरऑल कर रहा हूँ। तो अभी मैंने इसका जो सब फ्रेम है वो भी खुला हुआ है, आप देख सकते हैं इस जगह पर मैंने इसका सब फ्रेम भी खुला हुआ है। ओके, तो फिटिंग करते हैं इस जगह पर हम इसकी ट्रांसमिशन की। तो यहाँ पर जो उसका फ्लाईवील है हम इस जगह पर फिटिंग कर रहे हैं इसके क्रैंकशाफ्ट पर। ये इस तरीके से आपको सभी इसके सेंटर चेक कर लेने, ये देखिए आपको रोटेट करके चेक करना होता है। ले लो। ओके, बड़ी वाली। तो ये आपको जो टाइट करने हैं बोल्ट, ये आपको करने होते हैं M12 स्पैनर सॉकेट से, यानी कि ये आपको एक 12 पैल का एक सॉकेट होता है जो कि होता है M12 के नाम से। और साथ ही साथ इस जगह पर होती है इसकी बैरिंग भी आपको चेक करनी होती है। तो फाइनली फ्रेंड्स कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसका जो ट्रांसमिशन था, इसके फ्रंट एक्सल पूरा कम्प्लीटली, गियर बॉक्स इसका जो है DHG6 वो कम्प्लीटली फिटिंग हो चुका है। और अभी हम करने वाले हैं इस कार को स्टार्ट। ओके, तो ये है इसका ट्रांसमिशन ऑल गूलर इस जगह पर, और ये इस जगह पर है इसके ट्रांसमिशन शिफ्टर केबल। तो इस जगह पर पूरी कार एकदम कम्प्लीट हो चुकी है। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट। तो बेसिकली ये है न्यू मॉडल पसाट, तो इसकी जो बैटरी होती है वो पीछे आती है, यानी कि पहले वाली जो पसाट थी उसमें बैटरी आगे आती थी फिटिंग हो करके। तो इसमें इस जगह पर काफ़ी स्पेस रहता है, बैटरी बॉक्स वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है। तो कार में स्टार्टिंग के टाइम पहले जो नॉइज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं एक मिनट के लिए आपको पहले वाली नॉइज़ सुनाता हूँ। छोड़ो रेस। रेसो रेस। अरे छोड़ो रेस। तो ये है इस समय प्रेजेंट की नॉइज। तो पहले की नॉइज और अब की आवाज में आप फर्क देख सकते हैं, पहले की आवाज थी और अब की आवाज थी। तो ये कुछ इस तरीके से थी इसमें प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने किया है इसका फ्लाईव्हील रिप्लेस। तो ये कार थी वोल्क्सवैगन पसाट न्यू मॉडल। ओके, तो इस कार में भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसा है, भी कोई माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप ऑन नहीं है, सभी कुछ ऑफ है। ओके, तो ये थी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन DHG वोल्क्सवैगन पसाट 2.0 TDI ब्लू मोशन। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।